हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको जब झटपट पनीर की सब्जी बनानी हो या कोई सब्जी ना हो घर में और जल्दी जल्दी में कुछ बनाना हो तो आप पनीर की सब्जी बना सकते हैं। उसके लिए हमने ये लिया एक शिमला मिर्च, एक टमाटर, एक प्याज और अदरक लहसुन थोड़ा सा हमने कद्दूकस कर लिया, हरा धनिया और ये हमारे पास ये पनीर है। तो हम थोड़ा सा तेल डालेंगे पहले, इसमें एक बड़ा चम्मच थोड़ा सा डाल लेंगे। तेल गर्म हो रहा है तो इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। अब जीरे के बाद हम डाल देते हैं हमारे पास कद्दूकस किया हुआ लहसुन थोड़ा सा और थोड़ा सा अदरक डाल दिया था हमने। बहुत जल्दी बन जाता है आपके पास जब बनाना हो। दो हमारे पास ये हरी मिर्च है, ये भी हम डालते हैं तो साथ में हम प्याज डाल देंगे। विदिन 7 से 8 मिनट में ये आपकी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। इसको थोड़े से हम जब इनका कलर बदल जाए, गुलाबी से हो जाए तब तक हम 1 से 2 मिनट इसको भून लेते हैं। ये देखिए प्याज 1 से 1.5 मिनट हो गए ट्रांसपेरेंट हो गए। अब इस पर हम टमाटर डाल देते हैं। इसको भी 1 मिनट तक हम इसको थोड़ा सा कच्चा पानी इसका निकल देते हैं। टमाटर को भी 1 मिनट हो गए कि हम शिमला मिर्च डाल देते हैं। शिमला मिर्च को ज़्यादा गलाना नहीं है, क्रंची रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब हम इसमें ये थोड़ा सा मसाले डाल देते हैं, आधा छोटे चम्मच नमक डालते हैं, धनिया पाउडर डालते हैं, धनिया और जीरा पाउडर मेरे पास वो डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब हम ये जो पनीर है ये बनाते हैं। तो देखिए मैं थोड़ी सी इसमें बैगी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए। अब इसमें चाहें तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं या मलाई या क्रीम जो भी आपके पास है। ये देखिए मैं 1 चम्मच इसमें मलाई डालती हूँ, घर में आम होती है मलाई, तो ना हो तो आप दही भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा दही डाल देते हैं। इससे सब्जी जो है हमारी लटपटी सी हो जाएगी। और जस्ट इसको 7 से 8 मिनट लगे। ये देखिए हमारी बनकर तैयार है। गैस हम बंद कर देते हैं, अब इसको सर्व कर दें। देखिए मैंने डिश आउट कर दिया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, ऑप्शनल है। और देखिए मैंने इसको साइड डिश पे बनाया, मैंने साग बनाया था लेकिन मैंने फटाफट ये इसको साग में बना लिया। जब बच्चे पसंद नहीं करते साग तो कई बार हम तो आप झटपट ऐसे ही आपके पास पनीर पड़ा होगा शिमला मिर्च और टमाटर डाल के आप बनाइए। और ये देखिए चपाती या राइस के साथ आप पनीर को सर्व कर सकते हैं। मैं चपाती के साथ सर्व करूँगी। देखिए बनाइए, खाइए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।